एवरीवन, वेलकम टू शाली डेलेक्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। मैं ये आशा करती हूँ कि मैंने इससे पहले जो एक एक्सरसाइज आपको मैथ की करवाई थी, फर्स्ट चैप्टर की जो क्वेश्चंस थे मैंने वो आपको करवाए थे, कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं, होते हुए आए हैं और चांसेस भी है कि आ सकता है। तो आपको शायद वो चीज़ अच्छी लगी होगी कि कितने क्वेश्चंस हैं, क्या है, एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हम अगेन चलेंगे। आज मैंने यहाँ पर लेसन टू लिया हुआ है, आपका जो लेसन टू है, लेसन थर्ड है, जितने भी लेसन मैथ में हैं, मैथ की कोई इंपॉर्टेंट नोट्स तो उस टाइप की होती नहीं है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होती हैं। तो इसकी नोट्स को तो मैं सिस्टम पर नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने खुद की हैंडमेड नोट बनाई है और आप देख सकते हैं आज 9 तारीख है, मैंने आज की ये नोट्स बनाई हुई है। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में करवाए थे, वैसे मैंने सेकेंड लेसन के भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर लिया हुआ है, कि अगर आपको लेसन सेकेंड से क्वेश्चंस आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा, इसी तरह का आएगा, और जो प्रीवियस ईयर आया है मैंने उसको भी कंडक्ट किया हुआ, इससे बाहर फ़िलहाल तो इस चैप्टर से नहीं आएगा। और जो क्वेश्चंस हैं वो आगे चैप्टर्स में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम चैप्टर को कंडक्ट करते जाएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप सबसे पहले मेरी बात मानिए, तो आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, क्या ख़राब लग रहा है वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। और एक लाइक तो ज़रूर करिए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप शालिनी डेलेक्लासेस के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। लेसन सेकेंड, गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। हम यहाँ पर गुणा, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवीज़न, उसके जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस रहते हैं वो देखें कैसे आते हैं। आप गुणा और भाग से पहले से अवगत हैं, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये इतना आपको आता ही होगा। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो ली हुई हैं फिर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल बताइए, गुणनफल बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा, आप गुणनफल वगैरह आपको समझना होगा। ठीक है, निम्नलिखित का गुणनफल बताइए, तो आपको गुणनफल बताना मतलब आपको गुणा करके आंसर बताना है, सिंपल सा। तो आप 25 में 4 से गुणा करेंगे या 4 में 25 से गुणा करेंगे, बोथ आर इक्वल। ठीक है, आप 2 × 2 करिए या 4 × 2 या 2 × 4, एक ही आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि 25 और 4 आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर 100 निकल जाएगा, 25 × 4 = 100 होता है। ठीक बात, ये आम भाषा में भी नॉर्मल मैंने आपको बताया है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट के यहाँ पे है कि आप 20 में 0 से गुणा करिए, 0 में 20 से गुणा करिए, कुछ नहीं, आपका आंसर हमेशा 0 0 ही आएगा, हमेशा 0 आएगा। आप ये बात जानते हैं कि अगर हम 0 में किसी भी डिजिट से गुणा करते हैं, 0 में अगर हम किसी भी डिजिट से गुणा करते हैं, हमारा आंसर हमेशा 0 होगा। याद रखिएगा, 0 में हम कभी किसी डिजिट से अगर गुणा करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल बताइए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, 0 में 5 से डिवाइड करना है, 0 में 5 से डिवाइड करना 0 divisible by 5। ठीक है, हमको 0 में 5 से भाग करना है। आप जानते हैं आप 0 में जैसे किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे, इसी तरह सेम रूल अप्लीकेबल है कि जब आप 0 में 5 से भाग करेंगे ऑलवेज 0 आएगा। आप 0 में किसी भी डिजिट से गुणा करिए या तो आप उसमें भाग करिए, हमेशा 0 ही अव्वल आएगा, कोई और संख्या नहीं पॉसिबल है। ये बात हमेशा माइंडसेट में याद रख लीजिए कि कभी भी आप 0 में किसी डिजिट से गुणा करेंगे तब 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड देखिए, 27 divisible by 27, हम 27 में 27 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, 27 × 1 = 27, क्या कट तो जाएगा। आप किसी डिजिट में उसी संख्या से जब सेम डिजिट से आप उसमें डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है थर्ड, आप देख रहे हैं आपको 7, 8, 5, 4, 1 में 205 से डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा भाग है, आपको भाग आता होगा ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए एक डिजिट दी हुई है और उसमें आपको 205 में से डिवाइड करना है, ठीक। अब देखिए कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपल सा गुणा करना है। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं और ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन आज का जो है मैं वो ली हूँ यहाँ पर। यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमको कह रहा है, एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है कि यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है और शेषफल 50 है तो भाज्य बताना है। सारे फॉर्मूले की जितने भी क्वेश्चंस के जो डिजिट वो हमें दी हुई है, हमें सब कुछ दिया है, भाजक दिया है, हमें भागफल दिया है, हमें शेषफल भी दिया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ भाज्य फाइंड करना है कि भाज्य क्या होगा जब ये इतना है, ये इतना है तो ये इतना है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए। ये टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो हमें भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया है, शेषफल भी दिया है, हम भाज्य निकाल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, कैसे निकाल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना दिया हुआ है आपको 483, हमने क्या किया 483 ले लिया। भागफल कितना दिया हुआ 403, हमने 403 ले लिया। शेषफल कितना दिया हुआ 50, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक 483, भागफल 403, शेषफल 50, हमने ऐड कर दिया है। इन पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, बोर्डमॉस का रूल एक होता है उसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बड़ा है, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें 50 को ऐड कर दिया तो हमारा ये आंसर, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका आंसर निकल गया है। सबसे पहले हमने गुणा किया, देन हमने प्लस किया, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर हमने फॉर्मूला पहले से बना है, हमने उसके ऊपर जो वैल्यू दी गई थी वो हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारा आंसर निकल कर सामने है, ठीक है। बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड के लिए अभी तक में जो बताया मैंने, ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, टेट में भी बहुत पूछता है, सी टेट में खुद ही आया था ये, बहुत आता है, बहुत पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको क्या करेगा, आपको भाज्य दे देगा, भागफल दे देगा तो भाजक पूछ लेगा, कभी आपको शेषफल नहीं देगा ये सब दे देगा तो पूछ लेगा, कभी आपको सिर्फ यही दो देगा तो ये भी निकालना, ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। कभी कभी इतने भाजक का दो गुना इतना है तो भागफल तीन गुना है तो कितना होगा, कभी कभी आपको ये डिजिट भी नहीं देता है, आपको दो गुना तीन गुना बताता है और आपको ये खुद निकालना होता है, वैल्यू खुद निकालनी होती है, ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा, अब हम भाज्य का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर है वो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यदि एक बच्चा है गेंद को 4 रुपये में लेता है, कोई एक बच्चा है उसने एक गेंद को 4 रुपये में लिया और 3 गेंद कितने रुपए में खरीदेगा, तो वही बच्चा 3 गेंद को कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। अगर कोई गेंद है वो 1 रुपए में मिल रही है, ठीक है, एक गेंद का प्राइस 4 रुपए है तो 3 गेंद का प्राइस कितना होगा, ठीक है। ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत पूछा जाने वाला लोकप्रिय क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही बहुत अच्छे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल है। जब आपको ये बात पता है कि एक गेंद जो है वो 4 रुपए की है, एक गेंद का जो प्राइस है वो 4 रुपए है, ठीक है, 4 RS है, तो 3 गेंद का कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप सिंपल है, 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, 12 निकल कर आएगा, कि एक गेंद जब 4 रुपए की है तो 3 गेंद 12 रुपए में खरीदेगा, 3 गेंद 12 रुपए में वो खरीदेगा, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, डीएलएड में आया हुआ था, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। आज का 6th क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। हमको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है,
4 है, ब्रैकेट है 17 है, प्लस है कर्ली ब्रैकेट है 2 है, प्लस 5 है, फिर अंदर ब्रैकेट है 4 माइनस 2 है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बंद है। एक हमको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है इस वजह से, एक तो DELED में आया है वो, ठीक है। दूसरा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बॉडमॉस के रूल पर ये वर्क करता है, BODMAS, ठीक है। आई थिंक आप सब इसको जानते होंगे कि बॉडमॉस का रूल क्या है, ठीक है। वी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, टी फॉर डिविजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं वो कैसे। अब चलिए अपने टॉपिक में क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चंस दिया गया है सिंपल है, क्या दिया गया है हमें, एक इक्वेशन दिया है, मतलब सिंप्लीफिकेशन दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले रूल होता है कि जो ब्रैकेट छोटे छोटे रहते हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन था, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 4 को वही लिया, इससे बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट लगा था वो भी लगाया, 2 भी लिखा, 5 भी लिखा। अब अंदर का सबसे पहले छोटा ब्रैकेट अंदर का होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस कर दिया। तो जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 को पुट कर लिया, ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म हो क्योंकि हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली, ठीक है। बात अब देखिए जब हमने सॉल्व कर दिया तो क्या निकल कर आया, 4 है वाले बड़ा वाला ब्रैकेट है 17 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। जो ब्रैकेट खुलता है वो ब्रैकेट बंद होता है, याद रखिए, नहीं कि आप एक जगह लगा के एक जगह छोड़ दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगेन हम जब नीचे आ जाए तो क्या, अब हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, अभी हमने छोटा वाला ब्रैकेट, अब हमको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम कर्ली ब्रैकेट जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंटू हो रहा है, 5 × 2 = 10 होता है, 10 आ गया। अब 10 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा आपका। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने 12 को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट में हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है, बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया 17 प्लस 12 प्लस, ये आपका आंसर है यहाँ पे लगभग है। अब आप देखिए अब सिर्फ बचा है एक ब्रैकेट, अभी तक हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 17 में आप जब 12 प्लस करेंगे तो 29 आएगा, अब 4 में आप 29 से जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आएगा, ठीक है। बात मैं एक बार फिर आपको समझा रही हूँ, एक सिंप्लीफिकेशन में क्या दिया हुआ है हमें, 4 है एक बड़ा ब्रैकेट लगा है 17 है, प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 5 छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 2 फिर ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट भी बंद, फिर जो ब्रैकेट खुलेगा वो ब्रैकेट बंद होगा, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया, ऐसे ही लिख ली, फिर यहाँ पे आए कर्ली ब्रैकेट लगाया 2 लिख लिया 5 लिखा। अब यहाँ पे हमने इसको 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है, और फिर माइनस 2 छोटी गिनती नहीं सोची आप, यहाँ पे माइनस लिख दी, गलत हो जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए हमने 2 लिखा है, बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आप देखिए अब हमने क्या करा, अब हमको ये ब्रैकेट, अभी हमने ये सॉल्व किया, अब हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2, अब हम इसको गुणा करेंगे, 5 में आप तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 5 × 2 = 10, ठीक है, 2 × 5 = 10। अब उसमें हम 10 में तो 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक, सिंपल है। तो ये भी जो ब्रैकेट था ये सॉल्व हो गया। हमने फिर यहाँ पे 4 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया 17 प्लस 12 करिए। अब हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 17 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारा 29 आएगा, तो ब्रैकेट क्या होगा, खत्म हो गया। अब हम 4 में 29 से गुणा कर देंगे, ये जो यहाँ पे रहता है ये गुणे का रहता है, अगर बगल में कोई चीज़ ऐसे जुड़ी हुई टच में है तो ये गुणे में हो गया, अगर कुछ और अलग होगा तो ये प्लस यहाँ पे होता या माइनस यहाँ पे होता, अगर नहीं है तो वो गुणे में है, ठीक है। बात अब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, ये 116, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, DELED में तो आया हुआ है, 2015 का पेपर था उसमें ये आया था, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन बहुत आते हैं। देखिए अब क्या है नेक्स्ट वो देखते हैं, -8 ब्रैकेट में इंटू 75 ब्रैकेट में इंटू 0, आपको इसको मान बताना है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, इसी टाइप का आएगा, आपको बहुत सारा सेट ऐसे मिलता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सिंपल है, बहुत डरने की कोई बात नहीं, इजीली वे में आप करते चलिए। अभी तक फिलहाल जितने क्वेश्चन मैंने बताए कोई टफ क्वेश्चन बताया नहीं, जो प्रीवियस 10th ईयर का 10th तक का जो सिलेबस उससे बाहर DELED में तो कुछ आता नहीं है,
तो बहुत बेसिक है, बहुत छोटी क्लास के क्वेश्चन हैं, लेकिन करते चलिए क्योंकि आपके चैप्टर में दिया है तो क्या पता आ ही जाए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह का आएगा तो हम कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है सिंपल, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बात बताई थी, अगर कोई भी डिजिट रहती है उसमें अगर हमें जीरो से गुणा करने के लिए कह रहा है कि हमें जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना ही नहीं, उसका आंसर सिर्फ जीरो लिख के चलना है आगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जीरो पर टिक, देन आगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जीरो से किसी भी टीचर जुड़ा कर गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो उसकी कोई बात ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो देखते हैं, आज का 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2016 में आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इस तरह के छोटे छोटे आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, देखिए 13 माइनस ब्रैकेट में 8 इंटू 2 प्लस 3, हमको इसका मान बताना है, ठीक। अब हम आगे आते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बॉडमॉस का रूल अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए ही बॉडमॉस का रूल अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा नहीं है, बट बॉडमॉस का रूल कभी नहीं भूलेगा, BODMAS, ऐसे क्वेश्चंस में बॉडमॉस का ही रूल चलता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को खोलने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसको गुणा कर दिया, 8 में आप 2 से गुणा करेंगे, 8 2 16 होता है। अब हम आगे चलेंगे, 13 माइनस 16 प्लस 3, ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्योंकि हमने गुणा कर दिया। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आपका क्या करिए, 16 में 3 को ऐड कर दिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, 13 आएगा। क्यों 13 आएगा ये भी देखते हैं, याद रखिएगा 13 इसलिए आएगा क्योंकि -16 यहाँ पर दिया हुआ है, और 16 -16 यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस देन प्लस बराबर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, और 13 पहले से है तो 13 माइनस 13 बराबर 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 होगा। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो माइनस हुआ है ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, माइनस 16 बड़ा है किससे, प्लस 3 से। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ये प्लस, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए 16 में से 3 माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या आया है, 13 आया है, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर जो है वो जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9th है, 2016 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग अराइज होंगे जैसे आए हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे दिया है 3abc माइनस 2ab का स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab का स्क्वायर, हमको इसको क्या करना है, हमको इसको सरल करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको बहुत आसान है, बहुत आसान से सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। हमें दिया है 2ab का स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 3abc दिया था, यहाँ पे माइनस 5abc दिया था, ये प्लस में है ये माइनस में, अभी मैंने आपको बताया प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, तो 5 में से 3abc को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2abc आएगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि 5 माइनस 5abc जो है वो बड़ा है, ठीक। और फिर यहाँ पे 3ab का स्क्वायर और माइनस 2ab का स्क्वायर, अभी मैंने आपको फिर बताया प्लस और माइनस, माइनस होगा, आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ab का स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक का कोई मतलब नहीं, एक नहीं लिखा जाता है कहीं भी इस तरह से, तो ये एक मान लिया जाता है, इसलिए ए बी का स्क्वायर बचेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस 2abc, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और दिया गया है, 10th क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट, आज मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कई बार पूछे गए जिससे आपका बेनिफिट हो। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, याद रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 50 तो लगा ही लीजिए। हम चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, 121 है, हमें डिवाइड करना है, बड़ा ब्रैकेट है 16 माइनस कली ब्रैकेट 14 माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पे ये सॉल्व है। अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हमने आपको बताया कि बॉडमॉस का रूल अप्लीकेबल होगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, समीकरण में हम बॉडमॉस लगाते हैं, ठीक है। बात आगे देखते हैं क्या है, अब सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये अब हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले हमने ये किया अब हम ये करेंगे। अब देखिए 121 डिवाइड का सिंबल बड़ा वाला ब्रैकेट 16 माइनस कली ब्रैकेट 14 माइनस 3, ये हमने यहाँ पे 3 लिया था तो ये 3 कर दिया। अब हम ये वाला जब सॉल्व करेंगे, ये जो कर्ली वाला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट अभी लगा रहेगा, ठीक, बड़ा ब्रैकेट नहीं है अभी नहीं, फिर 121 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस। अब हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए
पहले हम पॉडमास में जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमने तीन और तीन को गुणा कर दिया तो क्या आ गया, नौ आ गया। तीन और तीन को हमने जब गुणा कर दिया तो नौ आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये ब्रैकेट में भूल गई थी, आप इसको लगा लीजिएगा, मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। अब यहाँ पर जब नौ आ गया है तो अभी ये एक स्टेप और जाएगा, अब यहाँ पर ये चौदह माइनस नौ होगा, ठीक है। अब यहाँ से नौ मिला, अब हम चौदह में से नौ को माइनस करेंगे तब ये स्टेप में जाके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आप यहाँ में से 121, ठीक है, 121 यहाँ पे लिखेंगे, 121 डिवाइड बाई 16 माइनस, अब यहाँ पे आप 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 16 माइनस 5 है, और 16 में से आप 5 को माइनस करेंगे 11 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, 121 डिवाइड बाई 11, आप जब 121 में 11 डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आंसर आएगा। इसके बाद एक स्टेप है, बहुत सिंपल है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, आप वीडियो के थ्रू समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप डिवाइड का लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 16 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे आप ये आप 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको 5 आएगा, आप सिंपल समझ रहे हैं। फिर आपसे 121 में डिवाइड करते हुए चलिए, आप यहाँ पे 11 आएगा, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, आप इसमें फिर डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये है, 11th क्वेश्चन है, वो क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे, एक पेटी में 121 आम आते हैं, कोई एक पेटी है, कोई एक बॉक्स है, उसमें 121 आम आते हैं। आम के गोदाम में ऐसी कम से कम 1275 पेटी रखी, कोई आम का गोदाम है, वहाँ पे एक पेटी में 121 आम आते हैं और वहाँ पर टोटल पेटी जो है वो 1275 पेटी रखी हुई है, तो गोदाम में कुल कितने आम है हमको ये बताना है, और हमको ये पता है कि एक पेटी में 121 आम आते हैं, टोटल पेटी कितनी है 1275। अब हमको ये बताना है कितना आम है, कितना आम है इन पेटियों में, कितना आम है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पेटी में 121 आम है तो कुल पेटी कितनी है, 1275 पेटी है, तो कुल आम कितना होगा हमको ये चीज़ बतानी है। तो इट्स वेरी सिंपल, जब आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया कि आपको जब कभी भी आपको एक का दाम बताया हो, एक का रेट बताया हो, तो हमेशा आप गुणा करें। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि इस सामान का दाम एक रुपये, एक सामान का दाम 5 रुपये है, तो 5 सामान का कितना होगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप 1275 में 121 से गुणा कर दीजिए, आपको गुणा करना आता हो, कोई भी दिक्कत बताएगा मैं दोबारा बताऊँगी, आप जब गुणा कर देंगे तो आपको टोटल आम जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आया हुआ है, 154275, 154275। तो इतने यहाँ पे क्या है, आम है, क्योंकि एक पेटी में 121 आम थे, तो 1275 पेटी में इतने, ठीक है, ये इसका आंसर है, ये टोटल मैंगो है। 12th क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है ये देखते हैं, 12th क्वेश्चन क्या है, 8/9 प्लस माइनस 4/9 का हमको मान निकालना है। 2015 का में पूछा गया है क्वेश्चन BTC में कि 8/9 प्लस माइनस 4/9 का हमको मान बताना, उसकी हमको वैल्यू बतानी। बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि अगर जब भी जो है डिनोमिनेटर सेम रहता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर कुछ भी है अगर हमें प्लस बोला है तो प्लस, माइनस बोला है तो माइनस, हम बहुत आसानी से कर देते हैं। कोई दिखा अगर हमें प्लस बोला तो प्लस कर देंगे ऊपर की डिजिट को, नॉमिनेटर्स को, और अगर हमें माइनस बोला माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, नीचे का जो हर है वो सेम है। अब हम अंश में क्या करेंगे, हम जो माइनस बोला माइनस करेंगे, प्लस बोला प्लस बोला। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस बीच में दिया है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस बराबर कितना होता है माइनस, तो माइनस करेंगे 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4/9 इसका आंसर होगा, और माइनस 4 छोटा है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4/9 इसका आंसर आएगा, बहुत सिंपल है, एक नंबर में आया होगा, आराम से बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। बात ऐसे ही क्वेश्चन आप आएंगे, आप आसानी से करके अपना नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें अराइज होती हैं चैप्टर से मैंने वो कंडक्ट करवाई है। देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या है कि शून्य केवल है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा शून्य क्या है, शून्य सिर्फ ये है, तो आपको एक ऑप्शन पूर्णांक देगा, परिमेय देगा, अपूर्णांक देगा, परिमेय देगा। तो शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य क्या है, वो एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, नथिंग एल्स, ना कि वो कुछ और है, ना वो रेशनल है, ना इरेशनल, कुछ नहीं, वो एक पूर्णांक है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14th का क्वेश्चन जो आज है का है वो है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होगा, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -0। क्रमागत मतलब कॉन्टिन्यूड, दो पूर्णांक का अंतर क्या होगा, तो एक होगा। इसका राइट आंसर क्या है, बी। कैसे होगा आप देखिए, क्रमागत का मतलब जैसे एक है, क्रमागत का मतलब दो है, तीन है, चार है, ठीक है, ये क्रम में चल रही है ना। आप दो एक में से
आप दो में से एक माइनस करेंगे तो अंतर का मतलब माइनस होता है, एक आएगा। आप तीन में से दो माइनस करेंगे तो एक आएगा, चार में से तीन माइनस करेंगे तो एक आएगा। इनका अंतर क्या है? एक एक का तो अंतर है, ये एक दो तीन चार जो चल रहा है क्या है? एक एक का अंतर है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं तो उनका अंतर कितना होगा? तो राइट आंसर बी होगा, उनका अंतर एक होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज का 15th क्वेश्चन यहाँ पर है, वो मैंने लिया हुआ है। क्या है देखते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने से प्राप्त होगा। कोई एक पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर, उसमें हम जब शून्य से घटाएंगे, जीरो से घटाएंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वही संख्या और ऑप्शन डी ऋण संख्या है। आप कोई भी पूर्ण संख्या दी है, आप शून्य से जब अगर कोई पूर्ण संख्या दी है आप उसमें शून्य से घटाएंगे तो आंसर वही संख्या होगी। मैंने आपको बताया आप जीरो के में, आप जीरो में कोई भी संख्या को ऐड करेंगे, जीरो में कोई भी संख्या घटाएंगे, जीरो में कोई संख्या को आप गुणा और भाग करेंगे तब वो जीरो आएगा। लेकिन आप जब जीरो में किसी संख्या से प्लस करेंगे या जीरो में किसी संख्या से माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, गुणा और भाग में अलग है और प्लस और माइनस में अलग है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लासेस थी उसका जो क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था, 15th क्वेश्चन था। एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप डेसिमल की प्लेस वैल्यू को समझाइए, उन्हें नहीं समझ में आया था, इसीलिए आज के वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की हुई है कि हम डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था और आता भी है डीलेट में। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिजिट ली हुई है 236.00 ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? पहले ये समझते हैं 236.017, सबलो के बाद के जो डिजिट होती है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो 017, तो 0 को हम 10th कहते हैं, 1 को हम 100th प्लेस पे कहते हैं, 7 को हम 1000th प्लेस पे कहते हैं। ये TH जो है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तो 1, 10, 100 है, लेकिन ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर रहती हैं कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट तक संख्याएं दी हुई। ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है। हम पहले इसको जानते हैं पढ़ते कैसे, तो मैंने आपको पढ़ना बता दिया कि ये ऐसे पढ़ा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में डीएलएड में पूछ लेगा और आना चाहिए, आने की चांसेस 100% है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 315.238 ठीक है, 2 क्या है 10th के प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे 2/10 लिख देंगे, 10th के प्लेस पे है। और ये हम इसको 2/10 लिख सकते हैं। आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि आप 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप इसको ऐसे लिख कर बताएंगे, ऐसे लिखा है क्योंकि 10th के प्लेस पर है इसलिए हम यहाँ पे 10 से भाग दे रहे हैं। अब 3 यहाँ पे 100 के प्लेस हो, ये ऐसे पढ़ा ही जाता है 10th 100 1000, तो यहाँ पे क्या है 3 100 के प्लेस पे है तो 3/100। 8 क्या है 1000 के प्लेस पे है तो 8/1000 ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको ऐसे निकालने को भी दे देगा, आपको आएगा तो आप ऐसे ही कर आंसर दो नंबर में अगर आता है तो आप ऐसे करके छोड़ देंगे, आपका आंसर नहीं गलत है, नहीं नंबर कटेगा ठीक है। और इसको 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 से दिया, इसमें 100 से दिया, इसमें 1000 से भाग दिया। ऐसे ही ये चीज़ें डेसिमल में की जाती हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिया। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है 1416.786, हमको 7 का स्थानीय मान बताना है। एक नंबर में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव वाले में, पहला ऑप्शन है 7/10, दूसरा ऑप्शन है 7/1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 7/10 ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमको 7 का स्थानीय मान बताना है। मैंने आपको एक बात क्लियर बता दी कि हम इसको 10th पढ़ते हैं, इसको 100th पढ़ते हैं, इसको 1000th पढ़ते हैं ठीक है। हम इसमें 10 से भाग देते हैं, इसमें 100 से भाग देते हैं, इसमें 1000 से भाग देते हैं, तो 7th हमने पूछा है 10th के प्लेस पे है तो इसका 7/10 होगा, 7/10 होगा ठीक। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। जो सेकंड चैप्टर था उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सेकंड चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे क्योंकि चीज़ें उसमें हैं। कुछ वीडियो में आपको पार्ट में भी बना कर दूंगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगी पार्ट टाइप में कि वो चीज़ें मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कंडक्ट करवाऊँगी जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो जिसके आने की उम्मीदें हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मैं उसको दोबारा करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।